मैं हूँ आपके साथ। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के तरफ से जो है वो मार रैली की जा रही है। जिस तरह से देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आज पटना में मार रैली किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से आए हैं, क्या मांगे? क्या मांगे? हम लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, जो जमीन दिया हुआ है सरकारी जमीन है जो आप रखे हम लोग, वो सब को अभी तक पर्चा नहीं मिला है। 30 साल से ऊपर हो गया उस घर को, जमीन को लूटे हुए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ उस जमीन को। हम लोग इसीलिए आए हैं, हम लोगों को जमीन मिल जाए, घर मिल जाए, घर बना लेंगे, बस इतना ही हम लोगों को चाहिए। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा कर पाएगी? आए हम आप लोगों के सामने आए, आप ही लोग सरकार के पास तक भेजेंगे, ऐसे तो हम लोगों को बोलने से तो होगा नहीं। सब रखते हो? कहाँ से आई है? भटवलिया से। आप कौन सा? बेतिया जिला से। बेतिया जिला से आई है? हाँ। क्या मांग है आप इस रैली में क्यों आई है? रैली में आई है जी, हमारा महंगाई कम हुआ है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। महंगाई कम हुआ है? महंगाई कम कीजिए, राशन कार्ड नहीं बना है, हमारा जमीन नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, हमारा जमीन नहीं है, घर बनाने नहीं है, घर बनाने की जमीन नहीं है, हमारा राशन में पैसा लगता है ढेर। विधायक से नहीं बोलते? विधायक हम के नहीं सवाल सुनती है, बात नहीं सुनता है, विधायक नहीं सुनता है। मंजू देवी कहाँ से आई है? दरभंगा से। दरभंगा जिला। ये बताइए कि आज इस रैली में क्यों आई है? रैली में आए हैं जो हम सबको जमीन नहीं है रहने के लिए, पानी पीने के लिए दोबारा नहीं है, बच्चा जो लेटिंग करने जाता है उसको मालिक कहता है इस खेत में नहीं आओ, तो खाना बनाने के लिए कोई जगह दोगे तभी ना। कहाँ पर घर से निकलते हैं तो आंगन छोटा सा है, उसमें बैठ के बाल बच्चा को खेलने का द्वारा नहीं है, हम सबको माल जाल पोसने का द्वारा नहीं, तो कहाँ रहे? इसीलिए हम आए। महंगाई? महंगाई तो बहुत है। क्या समस्या होता है महंगाई से? महंगाई से जारी है, जहाँ 2 पाई का है तहाँ 4 पाई लेता है, जहाँ 1 पाई खर्चा होगा तहाँ बेसी लेता है, उसी में थोड़ा महंगाई है, इसीलिए हम सब पता थोड़ा कम कर। कमलेश राम। कहाँ से आए? अरवल जिला। अरवल जिला आए हैं? पटना गांधी मैदान। काहे आए? क्यों आए? महंगाई के खिलाफ आए हैं। महंगाई? महंगाई बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। सरसों तेल तो 240-230 पहुँचा हुआ है, गेहूँ राशन जन विजय प्रधान में गेहूँ दे नहीं रहा है, खाली चावल देता है, वो भी 5 किलो काठी लेता है। क्या समस्या होता है महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ समस्या होता है जीवन में? समस्या है ना, गरीब मजदूर कमाता है, देहात में डेली काम, हम लोग खेती मजदूर है, वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे सरसों तेल खरीदने के लिए? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार है तो सरकार कंट्रोल करेगा ना महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करना सरकार का काम है ना। भाजपा बीजेपी हमारी सरकार कहाँ है? भाजपा की सरकार कहाँ है? बिहार में बात कीजिए, बिहार में है ना? है बिहार में तो महागठबंधन की सरकार है। हाँ, गठबंधन की सरकार है, अभी गठबंधन में आ गया, पहले तो मोदी जी की सरकार था, आज 2-3 महीने से परिवर्तन किया है। क्या नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार भी तो जो पहले करा वो भी आज ही कर रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ गांधी मैदान में पहुंच चुकी है, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे तक यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? किसके साथ आए हो? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। महंगाई कैसा है? बहुत है महंगाई। हाँ। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं। हाँ। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हो? तो हम तो जमीन के खातिर आए हैं। जमीन के खातिर आए हो? क्या हुआ जमीन को? जमीन क्षेत्र का भगा रहा है जमीन पे। जमीन से भगा रहा है? कौन भगाता है? बोला जमीन खरीद रखा हूँ। ये सरकार जो महंगाई बढ़ रही है, बहुत जुल्म हो रहा है, और अब गेहूं मिलता था गरीब लोग को, गेहूं मिलता नहीं, अब बिहार के लोग गेहूं पसंद करता है, अब गेहूं नहीं मिलता। जो चावल इंसान खाता ना वो चावल राशन मिलता है। हम ज्योति देवी। कौन से जिला से? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला से। क्या समस्या? क्या समस्या? हमको 30-35 साल हो गया, चाहे 40 से धरिए, इतना दिन में हमको नहीं जमीन तमीन के पर्चा उर्चा नहीं दिया।
दिल्ली के अंतर्गत जो भाजपा की सरकार है, जिन्होंने वादा किया था नौकरी देने का, अच्छे दिनों का, 15-15 लाख रुपया देने का, ये तमाम झूठा वादा साबित हुआ। और हम देख रहे हैं कि इस देश को बचाने के लिए एक ही शर्त था आज़ादी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये तहजीब को तोड़ा जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा किया जा रहा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर, जबकि आज जरूरी है नौकरी का, आज जरूरी है रोजगार का, लेकिन नौकरी देने का, रोजगार देने के बजाय उसको छीना जा रहा है। और महंगाई, आप सुने होंगे कि महंगाई आज तक इतनी बड़ी महंगाई कभी नहीं थी, जो आज 1300 रुपया में गैस सिलेंडर, सरसों का तेल का दाम बढ़ गया, आटा का दाम बढ़ गया, और ऊपर से GST तमाम खाद्य सामग्री पर लगा दिया गया। तो ये निश्चित रूप से हम इस देश को अगर बचाना चाहते हैं, भारत को, तो मोदी को हटाना होगा गद्दी से। और आज पूरे देश के अंतर्गत जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, खास करके जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, आज तमाम लोगों के अंतर्गत आक्रोश है, और वो आक्रोश लाजमी है। और मैं समझती हूँ कि 2024 में जो चुनाव होगा, बिहार एक निर्णायक दौर में आई है। जिस तरह से बिहार के अंतर्गत नीतीश कुमार को मजबूरी में छोड़ना पड़ा भाजपा को, और राजद के साथ आए हैं, मैं समझती हूँ कि बिहार से तो 2024 में भाजपा भागेगी ही, और पूरे देश के अंतर्गत भी उनकी स्थिति खराब होगी। लोग हैं तो काफी समस्याओं से गुजर रहे हैं, किसी के पास जमीन नहीं है तो किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, बढ़ती महंगाई को लेकर भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग जिले से यहाँ पर लोग आए हैं अपने मांगों को लेकर, और एक विशाल रैली का जो है किया गया है पटना के गांधी मैदान से। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूँ आपके साथ नाजिश मेहता, धन्यवाद।